ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के राष्ट्रपति भवन पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी आगवानी की। इस मौके पर पीएम जॉनसन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अपने स्वागत से अभिभूत बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना खास दोस्त बताया। जॉनसन ने कहा कि उनके गुजरात में जिस तरह से स्वागत हुआ उससे उन्हें महसूस हो रहा था कि वो अमिताभ बच्चन हैं या फिर सचिन तेंदुलकर। And I had an amazing reception, absolutely amazing. I felt a bit like Sachin Tendulkar in my face was about as ubiquitous everywhere as Amitabh Bachchan. I was everywhere to be seen, and it was fantastic. इसके बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री जॉनसन ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। ब्रिटिश पीएम जॉनसन ने इसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। पीएम मोदी और बोरिस जॉनसन की मौजूदगी में हैदराबाद में दोनों देशों के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत हुई। बातचीत के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने भी दोनों देशों के बीच मजबूत हो रहे रिश्तों के लिए बोरिस जॉनसन की जमकर तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान बोरिस जॉनसन का दौरा ऐतिहासिक है। भारत और यूके के संबंधों को मजबूत करने में प्रधानमंत्री जॉनसन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस समय जब भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का यहां आना अपने आप में एक ऐतिहासिक पल है। पीएम मोदी ने कहा कि इस दशक में भारत और ब्रिटेन ने संबंधों को दिशा देने के लिए रोडमैप 2030 लॉन्च किया था। आज की बातचीत में रोडमैप की प्रगति को रिव्यू किया और लक्ष्य तय किए हैं। मोदी ने उम्मीद जताई कि इस साल के आखिर तक दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते की राह की सारी अड़चनों को दूर कर लिया जाएगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के विषय पर दोनों देशों की टीम्स काम कर रही है, बातचीत में अच्छी प्रगति हो रही है और हमने इस साल के अंत तक एफटीए के समापन की दिशा में पूरा प्रयास करने का निर्णय लिया है। दोनों देशों के बीच हुई बातचीत में रक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने के मसौदे पर चर्चा हुई। इस मौके पर कई रक्षा समझौते भी हुए। वहीं फाइटर जेट तकनीक से लेकर समुद्री तकनीक को भारत के साथ साझा करने को लेकर भी बातचीत हुई। बोरिस जॉनसन ने दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा संबंधी सहयोग पर बल देने की बात कही। The UK is creating an India specific open general export license, reducing bureaucracy and slashing delivery times for defence procurement. We've agreed to work together to meet new threats across land, sea, air, space and cyber. ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने ये भी बताया कि भारत और ब्रिटेन एक वर्चुअल हाइड्रोजन साइंस एंड इनोवेशन हब भी बनाएंगे, जिसमें अफोर्डेबल ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही कॉप 26 में घोषित किए गए ग्रीन ग्रिड्स के लिए नई फंडिंग भी दी जाएगी। इसके अलावा भारत के पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इलेक्ट्रॉनिफिकेशन के लिए भी मिलकर काम करने पर सहमति बनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज़।